ढांक कर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। बात करना चाहता हूं क्रांतिकारी पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी जी को लेकर। आज 25 मार्च है, उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 25 मार्च 1931 को दंगे की आड़ में उनका कत्ल कर दिया गया था। 26 मार्च की सुबह लाशों के ढेर के अंदर उनका शव पड़ा मिला था, जिसके बाद पता चल पाया था कि गणेश शंकर विद्यार्थी अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। उनकी शख्सियत को धाकड़ खबर सलाम करता है और उनकी शहादत को सलाम करता है और याद करते हुए उनको शत शत नमन करता है। और आज कुछ चीज़ें उनके पहलुओं से, उनकी शख्सियत से जुड़ी हुई आपके सामने रखना चाहता है। एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, जो उनकी नज़र करना चाहता हूं। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, और खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, मैं शीशा हूँ टूटकर भी खनक छोड़ जाऊंगा। यही कहती है गणेश शंकर विद्यार्थी की शख्सियत। पहले आपको उनका परिचय दे देता हूँ। 1890 में गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म हुआ था, अपनी ननिहाल के अंदर उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी तालीम, जब पढ़ाई पूरी कर ली, उसके बाद वो चले गए इलाहाबाद, और इलाहाबाद में 1907 में उन्होंने करेंसी ऑफिस में जाके नौकरी की। लेकिन एक अंग्रेज़ बाबू से उनकी खटपट हो गई, और खटपट हो जाने के बाद, क्योंकि उनका मिजाज तो बचपन से क्रांतिकारी था ना, उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। 1908 से 1910 तक वो एक स्कूल के अंदर टीचर के तौर पर काम करते, यानी कि एक शिक्षक के तौर पर काम करते रहे। लेकिन पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने 1908 से ही अपनी कर दी थी, और कई सारी पत्रिकाओं में उनके क्रांतिकारी लेख छपने लगे थे। और आगे चलकर फिर उन्होंने अपना अखबार शुरू कर लिया था। लेकिन जिस जिस मैगजीन, जिस अखबार में वो लिखते थे, वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। कर्मयोगी, स्वराज, हितवार्ता जैसी और कई बड़ी मैगजीन, बड़े अखबारों में वो जुड़े रहे, लिखते रहे। इसके अलावा भी कई सारी मैगजीन, कई सारे अखबार में वो एडिटर रहे। 1913 में वो कानपुर चले गए, वहाँ से उन्होंने अपना साप्ताहिक अखबार शुरू कर दिया, जिसे हम लोग क्रांतिकारी अखबार प्रताप के नाम से जानते हैं। वहीं से क्रांतिकारी पत्रकारिता का नाम भी मिला गणेश शंकर विद्यार्थी को। अब खबर के दूसरे हिस्से में बात कर लेते हैं कि दंगों की आड़ में क्यों की गई क्रांतिकारी पत्रकार की हत्या। तो देखिए, 25 मार्च को कानपुर में दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। आप ये मत सोचिएगा कि आज़ादी से पहले ये दंगे नहीं होते थे, क्योंकि 1925 में आरएसएस बन चुका था, हिंदू महासभा भी बन चुकी थी, मुस्लिम लीग भी बन चुकी थी। तो दंगे हो रहे थे, दंगों की सूचना मिली, ये दंगों को शांत कराने के लिए वहाँ पहुँच गए, और उन्हीं दंगों की आड़ में इनकी हत्या कर दी गई। अगले दिन लाशों के ढेर के अंदर इनका शव पड़ा मिला, उसके बाद पहचान हुई, शिनाख्त हुई, तब जाके पता चला गणेश शंकर विद्यार्थी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। मेरा साफ कहना है कि उनकी हत्या की नहीं, करवाई गई है, या तो की गई या करवाई गई, वो की गई दंगों की आड़ में बाकायदा प्लान वे तरीके से, क्योंकि उनकी जो लेखनी थी ना, उससे अंग्रेज ही नहीं चिढ़ते थे, अंग्रेज ही नहीं घबराते थे, अंग्रेज ही नहीं डरते थे, जो उस वक्त की सांप्रदायिक ताकतें थी वो भी डरा करती थी। और मेरा तो साफ मानना यह है कि इसमें एक चीज और जोड़नी चाहिए कि 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह की शहादत का दिन है, और 25 मार्च को गणेश शंकर विद्यार्थी को कत्ल कर दिया जाता है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि 24 घंटे के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी का कत्ल कर दिया गया, और वो भी दंगे की आड़ में? क्या इसको जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए शहीद आजम भगत सिंह की शहादत से? खबर के चौथे हिस्से में आपको बताता हूँ कि शहीद आजम भगत सिंह से इस क्रांतिकारी पत्रकार का क्या संबंध था। तो खबर के इस हिस्से में बात कर लेते हैं कि क्रांतिकारी पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी का शहीद आजम भगत सिंह से क्या संबंध था। तो आपको बता दें कि शहीद आजम भगत सिंह के पिता माता उनकी शादी करना चाहते थे, वो अपने घर से भाग गए, और भागने के बाद वो उस वक्त पहुंचे मौलाना हसरत मोहाली के पास। मौलाना हसरत मोहाली के पास, जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया शहीद आजम भगत सिंह को। आजकल के मौलाना पता नहीं कैसे हैं, हलीम बोटी बिरयानी खा रहे हैं, कुछ निकलता नहीं है, माइक भी पकड़ते हैं तो घंटे भर तक तो गला साफ करते रहते हैं, इसके अलावा कुछ करते नहीं है। लेकिन आज़ादी से पहले क्या मौलाना देखेंगे, मौलाना हसरत मौलानी मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना आज़ाद, ये किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गए हैं, किसी यूनिवर्सिटी में। मौलाना आज़ाद तो अपने घर के अंदर पढ़े हैं, ऐसे आज मदरसों से मौलाना क्यों नहीं पैदा होते, इनको शर्म आती है किसी को? लेकिन हर गली में 10-10 मदरसे खोल के अपना धंधा चल रहा है इनका।
तो मौलाना हसरत मोहानी उन्होंने ही इस देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी थी, और उस वक्त देश के अंदर युवाओं का बहुत बड़ा आइडियल थी, वो हर युवा उन्हीं के पास भागना चाहता था। तो घर से भागने के पास शहीद आजम भगत सिंह इनके पास पहुंचे, तो वहां पहुंचे तो मौलाना हसरत मोहानी ने मुलाकात करा दी उनकी गणेश शंकर विद्यार्थी से। उसके बाद नाम बदल कर भगत सिंह ने अपना नाम कर लिया बलवंत सिंह, और वो नाम बदलकर और अपना भेष बदलकर एक पत्रकार के तौर पर गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार प्रताप में पत्रकार के तौर पर काम करने लगे, और यहीं से इन दोनों की दोस्ती जो है वो पक्की दोस्ती में बदल गई और दोनों बहुत करीब आ गए। कुछ दिनों बाद बताते हैं मौलाना हसरत मोहानी के पास, क्योंकि परिवार के लोग भी जानते थे कि भगत सिंह भागकर कहां जाएगा, मौलाना हसरत मोहानी के पास पत्र आया। उन्होंने कहा कि कैसे भी समझा बुझा के हमारे बेटे को भेज दो, उसे कह दो कि हम उसकी शादी नहीं करेंगे। तो मौलाना हसरत मोहानी ने समझाया और भगत सिंह फिर उसके बाद वहां से वापस चले गए। अब खबर के चौथे और आखिरी हिस्से में बात करते हैं कि हमें क्या सबक लेना चाहिए गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता से। देखिए, नंबर एक चीज़ तो यह है कि गणेश शंकर विद्यार्थी को क्रांतिकारी पत्रकार के तौर पे जाना जाता है। तो जहां वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखते थे, वहां वो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ भी खुलकर लिखते थे। इसलिए जहां अंग्रेज़ उनको पसंद नहीं करते थे, वहीं सांप्रदायिक ताकतें भी उनको पसंद नहीं करती थी। उनका जीवन, उनका जो पूरे जीवन गुजरा है पत्रकारिता का, वो दो चीज़ें सिखाता है कि पत्रकार, वो हमेशा कहते थे और लिखा भी है उन्होंने कई जगह, कि पत्रकार को सत्ता में बैठे लोगों से, यानी कि ताकतवर लोगों से सवाल पूछना चाहिए। आज क्या हो रहा है वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है, सवाल पूछना चाहिए, और विपक्ष की तरह सवाल पूछना चाहिए, विपक्ष की तरह भूमिका में होना चाहिए, और समाज में भाईचारा और बंधुत्व बढ़ाने के लिए पत्रकारिता करनी चाहिए, पत्रकार को उस ओर काम करना चाहिए। लेकिन आज आप देख लीजिए, जो दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार हैं इस भोपू मीडिया के, वो समाज को बांटने में लगे हुए हैं, कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे, कहीं ऊंच नीच के नाम पे। अगर बात आती है स्मृति ईरानी की राज्यसभा में गरजने की, तो उनको दुर्गा का अवतार बताते हैं, लेकिन अगले दिन जब मायावती उन पर गरजती हैं, तब मायावती को दुर्गा का अवतार नहीं बताते, क्योंकि मायावती दलित समाज से आती हैं। रोज़ाना हिंदू मुस्लिम के चैप्टर लेकर सरकार की दलालू चाटुकार करते हुए दिखाई देते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन से ये लोग कोई सबक नहीं लेंगे, लेकिन धाकड़ खबर कुछ करना चाहता है और कोशिश कर रहा है कि हम लोग गणेश शंकर विद्यार्थी के बताए रास्ते पर थोड़ा चल सकें और अपनी पत्रकारिता को कुछ जिम्मेदारी से निभा सकें और इस देश और इस क्षेत्र और समाज के लिए कुछ कर सकें। छोटी सी कोशिश थी, टूटे फूटे अल्फाज में जैसे भी लगी, कहीं कोई कोताही हो तो पहले ही माफ़ कर दिएगा, क्योंकि इतिहास के पन्नों की चीज़ें जो होती हैं उनको समझना बताना अलग होता है, लेकिन मैं पत्रकारिता के एंगल से उनके जीवन को पूरा रखना चाहता था, वो मैंने रखने की कोशिश की। कैसी लगी आपको मेरी ये कोशिश, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।